सो हेलो गाइस, डीसी मोबाइल सॉल्यूशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो कार्टून में आप देख रहे हैं ये है रोजिन स्मोक पेन, जो कि अभी काफ़ी दिन बहुत ट्रेंड में रहा है। और इस स्मोक पेन का कितना ये कारगर है, कितना काम करता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ पर रोजिन पेन जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अब मैं आपको एक नया जो है इसका पैकेट उसको ओपन करके दिखाने वाला हूँ। देखिए वीडियो में बने रहना, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शेयर भी करना, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और इससे क्या है, हमें भी सपोर्ट मिलेगा, लोगों तक सही जानकारी आपकी मिलेगी, ठीक है। इसका जो नया ये एक बॉक्स है उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। नया पैकेट, और दोस्तों चैनल पे अगर नए आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो, ठीक है, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब यहाँ जो इसका ये कवर है ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब बहुत ही अच्छा है इसकी पैकिंग में जो है। अब यहाँ पे हम इसको ओपन करके देखेंगे तो इसमें आपको ये एक लीड मिलती है जिससे आप चार्ज कर सकते हैं, और ये पेन मिलता है, ठीक है, ये लीड मिलती है, ये पेन मिलता है, और ये इसकी पैकिंग है, ठीक है, इसका जो कवर है। तो ओवरऑल जो है ठीक है, मतलब पैकिंग वगैरह सारा कुछ ठीक है। अब ये काम कितना करता है वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखते जाएंगे। तो यहाँ से ये चार्ज होता है इसको लगाने के बाद, अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग कंपनी का अलग अलग तरीका है। इसमें कई में पीछे पिन होती है, ये वाला जो है आगे से लगा के होता है। आप जब इसको परचेज़ करेंगे तब आप सीख जाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। चार्ज करना बहुत ही ईजिली है, ठीक है। ये ऊपर का हिस्सा जो कांच वाला है वो हमने हटा लिया है, और देखेंगे आप यहाँ पर एक इसमें एलिमेंट लगा हुआ है, एलिमेंट के ऊपर हम जो है रोजिन रखते हैं और वो जो है इसको स्मोक में तब्दील करता है, जिससे कि हम बोर्ड पे स्मोक लगा के और उसकी शॉटिंग को पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको रोजिन रख लिया। अब इसको मैं देखिए, आपको इसका जो एक ये बटन है, बैटरी भी इसकी ठीक ठाक चल जाती है, एक घंटे करीबन, एक घंटे से कम चल जाती है इसकी बैटरी, ठीक है। देखिए स्मोक जो है बना रही है, स्मोक बनने लगा है अंदर, देखेंगे हम जो हमारा कांच का हिस्सा है वो पूरा स्मोक से भर चुका है। अब इस बोर्ड पे हम रोजिन अप्लाई करके देखेंगे कि इसका स्मोक जो है इस पे लगने के बाद कैसा दिखता है। तो देखेंगे हम जो है स्मोक बन रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो हम इस बोर्ड पे जो है इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखिए स्मोक तो अच्छा निकल रहा है इसमें, बट लेकिन इस पे रुका तो बिल्कुल भी नहीं, बोर्ड पे बिल्कुल भी स्मोक नहीं रुका है। हाँ पेन में से स्मोक अच्छा निकल रहा है, बट लेकिन बोर्ड पे बिल्कुल भी नहीं रुका है। तो फिर से स्मोक बनाते हैं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको बताया है कि भाई इसमें आप स्मोक को भर लीजिए इस कांच वाले हिस्से में, उसके बाद इसको जब पलटेंगे यानी कि जब इसको बोर्ड पे करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। मैंने हर तरीके से इसको करके देखा है, लेकिन आप जो है इस वीडियो में बने रहिए। देखिए स्मोक कितना ज़बरदस्त निकल रहा है, और देखिए बोर्ड पर भी गिर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर रुका कुछ भी नहीं। अब इसको चलिए मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आए। दोस्तों हमारा उद्देश्य केवल डीसी जीएसएम टूल्स पे सामान को बेचना नहीं होता है, हमारा उद्देश्य ये होता है कस्टमर कितना सेटिस्फाई होगा, ये चीज़ उसके कितने काम आएगी। ऐसी किसी भी फालतू चीज़ का हमारे यहाँ आप भरोसा ना करें कि हमारे यहाँ वो मिल जाएगी, ठीक है। देखिए कितना रोजिन निकल रहा है, और मैंने इस पे बोर्ड पे अप्लाई किया, अब देखते हैं ये कितना रुकता है। जो चीज़ काम की है, जो चीज़ जेन्युइन है, जो चीज़ ओरिजिनल है, वही आपको डीसी जीएसएम टूल्स पे देखने को मिलेगी। तो वहाँ से आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसका कार्टून भी देखा और वो देखा कि ये बिल्कुल वेस्ट गया पैसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रोजिन इस पे अप्लाई तो हुआ है,
अब देखते हैं कितनी देर रहता है। हाँ, माइक्रोस्कोप में भी देख रहे हैं आप, लाइव भी देख रहे हैं सामने। देखिए अब इस पर इतना रोजिन रुका है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे ये भी जो है ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं, साफ़ बोर्ड हो जाएगा ये, ठीक है। और बिल्कुल साफ़ सा ही बोर्ड है, इसमें रोजिन ज़्यादा इसमें अप्लाई नहीं हुआ। अब हमें लगा कि शायद इसका रोजिन ख़राब है या फिर बोर्ड ख़राब है, ठीक है। दूसरा बोर्ड चेंज करके देख लेते हैं। स्मोक बन रहा है, सारी चीज़ें बिल्कुल ओके हैं। मैंने इसको किस बहुत सारे तरीके से यूज़ करके देखा है, और इसको ये ऊपर कांच वाला हिस्सा हटा के भी देखते हैं। देखो कांच वाला हिस्सा हटा के और इसमें जो है स्मोक ज़्यादा निकलता है, तो बोर्ड को ऊपर लगा के शायद ऐसे अप्लाई हो जाए, तो इसको भी देखते हैं करके। नहीं हुआ, मतलब ये भी तरीका बिल्कुल फेल गया। तो ये वाला जो तरीका है ये भी फेल गया। बोर्ड को चेंज करके देखना पड़ेगा कि शायद बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है। रोजिन मैंने बदल के देख लिया है, रोजिन में कोई मसला नहीं है। मैं आयरन से इसी रोजिन को लगाता हूँ तो बहुत ही बेहतरीन जो है काम करता है। तो स्मोक धुआं तो बहुत बन रहा है, ठीक है। अभी हमने बोर्ड भी चेंज इसका कर लिया, इस पर देखते हैं अप्लाई करके, क्योंकि जो प्रैक्टिस जियो के बोर्ड पर करने पर ना वो कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप माइक्रोस्कोप में, मैं आपको आईसी दिखा रहा हूँ। अब देखेंगे, देखिए मैंने और रोजिन लगा लिया, शायद कम पड़ रहा हो। और इसका स्मोक बनाते हैं अब। और ये टूल अगर आप कहीं से चेक करना अगर चेक करने के लिए मंगाना चाहते हैं तो मेरे यहाँ से मंगा सकते हैं, ठीक है। और अगर वैसे काम करने के लिए चाहिए तो भैया मैं आपको नहीं दूंगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये आपका यूज़लेस है, कोई भी काम का नहीं है। मैंने कई तरीके से इसको यूज़ करके देखा। अगर आपके पास है, अगर आपके पास कोई ट्रिक है इसको यूज़ करने का, तो मुझे बता देना, कमेंट में बता देना, ठीक है। हम उसको उस चीज़ पर अमल करेंगे, एक नई वीडियोज़ बनाएंगे कि भाई ये वाला तरीका इसमें काम कर रहा है। देखिए रोजिन कितना ज़बरदस्त निकल रहा है इसमें से, ठीक है, भर भर के स्मोक निकल रहा है। और देखिए यहाँ मैंने पूरे बोर्ड पर अप्लाई कर दिया और ये हवा की तरह ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी रोजिन इसमें रुक नहीं रहा है। तो ये इससे अच्छा तो आयरन से इतनी देर में लग जाता, ठीक है। और यहाँ पे ये स्मोक इससे तो लग नहीं पा रहा बिल्कुल भी। मैंने ट्राई कर लिया, आपके सामने ही सारे तरीके देख लिए, इसको इसमें स्मोक भर के भी देख लिया, बटन को दबा के भी स्मोक इसमें पलट के देख लिया, लेकिन स्मोक नहीं रुक रहा है। यहाँ थोड़े से कोने पर थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये भी थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल ये टूल बकवास, कोई काम का नहीं है। अगर आपका काम करता है कोई ट्रिक है तो मुझे कमेंट में बता देना, वीडियो अगली और बना देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।